फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। ना आपको ये ट्रिक YouTube में देखने को मिलेगी, ना आपको ये ट्रिक Google में देखने को मिलेगी। और इस ट्रिक में है क्या, इस ट्रिक में हम सीखेंगे कैसे हम बहुत सारे नंबर्स को ऐड करके क्या आंसर आता है वो तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे कोई हमसे पूछे, भाई 1 से लेके 10 तक का सम क्या आता है वो बताओ, 1 से लेके 20 तक का, 1 से लेके 50, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को ऐड करने पर क्या आता है वो बताओ, तो हम बस दिमाग में ही बिना पेन, बिना कॉपी, बिना कैलकुलेटर के एकदम आराम से बता सकते हैं। तो आइए देखें ये ट्रिक है क्या। हेलो फ्रेंड्स, अब इस ट्रिक में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ, वो भी बहुत हेल्पफुल होगी आपके। अब जैसे हमें यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, 1, 2 और 3, और हमसे कोई पूछे भाई 1, 2 और 3 का एवरेज बताओ, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पर जो भी आंसर आएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला होता है। इन तीनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, 6। नंबर्स कितने हैं, 3, तो इनका एवरेज क्या आएगा, 6/3, 2। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का एवरेज क्या आएगा, 2। वो ही एवरेज आएगा जो एक तो इन दोनों नंबर्स के बीच में है नंबर 1, और नंबर 2 एवरेज वही आएगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज है। इन तीनों नंबर्स का एवरेज क्या आया था, 2, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज भी क्या आ रहा है, 2। अब आइए देखें थोड़े और नंबर्स को लेते हैं, 4। अब इन चारों नंबर्स का एवरेज क्या आएगा, इन चारों को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4, तो एवरेज क्या आएगा, 10/4, 2.5। वही एवरेज जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी आएगा। वैसे ही हम देखें यहाँ पर हम 5 भी ऐड कर लेते हैं, तो ये पांचों नंबर्स का एवरेज क्या आएगा, इन सबको ऐड करने पर आएगा 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 5, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 3। और वो ही एवरेज आएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का, 1+5 का एवरेज क्या आएगा, 3। तो ऐसे हमें कितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबका एवरेज निकाल सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। अब कोई हमसे पूछे भाई यहाँ इन सारे नंबर्स का एवरेज बताओ, तो इन सब का एवरेज कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मल केस में इन सबको ऐड करेंगे, नंबर्स कितने हैं, 10, तो इन सबको ऐड करने पर जो आंसर आएगा, इन सबको ऐड करने पर आएगा 55। नंबर्स कितने हैं, 10, तो इनका एवरेज क्या आएगा, 5.5। तो जरूरी नहीं कि हम सबको ऐड करके इनका एवरेज निकालें, अभी हमने सीखा कि बस फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों का एवरेज निकालना, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 5.5, तो इन सारे का भी एवरेज क्या आएगा, 5.5। ये हमने सीखी। अब जैसे हमें 1 से 20 तक के नंबर्स का एवरेज निकालने को, तो हमें 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, तो उससे बहुत ही इजी ट्रिक क्या हो गई, पहला नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 20, 1 और 20 को ऐड करके निकाल लिए 21, उसका एवरेज कितना है, 10.5। तो सारे नंबर्स का एवरेज हम बस फर्स्ट और लास्ट टर्म के एवरेज से भी निकाल सकते हैं, ये तो हम समझ गए। अब आइए हम इस रूल को सम निकालने में कैसे यूज कर सकते हैं। कोई हमसे पूछता था कि भाई 10 नंबर्स का एवरेज बताओ, तो इस केस में हमने क्या किया था, सबको ऐड करने पर क्या आता है, 55। नंबर्स कितने हैं, 10, तो उनका एवरेज क्या होगा, 5.5। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे समझें कि 10 नंबर्स गिवन है हमें और उनका एवरेज है 5.5, तो उनको ऐड करने पर क्या आएगा, 55। हम सब क्रिकेट देखते हैं, 4 मैच किसी बैट्समैन ने बैटिंग किया, उसका एवरेज है 50 का, तो वो चारों मैच मिला के कितना रन बनाया होगा वो बैट्समैन, 50 × 4, 200। वैसे ही केस यहाँ पर है, अगर 10 नंबर गिवन है हमें और उन 10 नंबर्स का एवरेज मालूम है हमें 5.5, तो हम बता सकते हैं उन 10 नंबर्स को ऐड करने पर क्या आएगा, 55। वैसे ही 1 से लेके 20, अब हमें को हमसे को पूछे 1 से लेके 20 तक का सम बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या आएगा, पहला नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 20, 1 और 20 का एवरेज क्या आता है, 10.5। तो उन जो 20 नंबर्स है, वो जो 20 नंबर्स गिवन है हमें, उन 20 नंबर्स का एवरेज क्या आ रहा है, 10.5। तो उन 20 नंबर्स का सम क्या आएगा, 20 × 10.5, 210। हाँ, ऐसे हम 4-5 एग्जांपल और लेके समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमसे कोई पूछे कि 1 से लेके 50 इन सब नंबर्स को ऐड करने पर क्या आता है वो बताओ, तो हम पहले उसका एवरेज निकाल लेते हैं। 1 से लेके 50 नंबर्स तक का एवरेज वही होगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का, मतलब 1 और 50 का हो, तो 1 और 50 का एवरेज क्या होगा, 25.5। 25.5 इसका एवरेज, नंबर्स कितने हैं 50, तो उसको ऐड करने पर क्या आएगा, 25.5 है एवरेज 50 नंबर्स का,
तो उन सारे नंबर्स को ऐड करने पर क्या आएगा, 1, 2, 7, 5। वैसे ही कोई आपसे पूछे 1 से लेके 100, इन सारे नंबर्स को ऐड करने पर क्या आता है वो बताओ। तो पहले उसका एवरेज निकाल लेते हैं, 1 और 100 का एवरेज क्या आएगा, 50.5। तो वही वो पूरे 100 नंबर्स का एवरेज आएगा 50.5। जब 100 नंबर्स का एवरेज है 50.5, तो उन 100 नंबर्स को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, 5050। वैसे ही कोई हमसे पूछे 1 से लेके 1000 तक नंबर्स को ऐड करने पर क्या आएगा वो बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 और 1000 का एवरेज निकाल लेंगे जो आएगा 500.5। 500.5 इन सारे 1000 नंबर्स का भी एवरेज है, तो जब 1000 नंबर्स का एवरेज है 500.5, तो उन 1000 नंबर्स को ऐड करने पर क्या आएगा, 500,000। तो आपने अभी ट्रिक तो अच्छे से समझ ली है, अब हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हम इस ट्रिक को और भी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखिए, इस ट्रिक को अप्लाई करते समय हमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि हम जिन नंबर्स का सम निकालते हैं, जिनको भी ऐड कर रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहाँ तक भी ऐड कर सकते हैं, बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि सारे नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे 1 और 2 में डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का, वैसे आगे भी सारे नंबर्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तब हम ये रूल हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम इस रूल को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई हमसे पूछे 2, 4, 6, 8 और 10 इनको ऐड करने पर क्या आएगा वो बताओ, तो हम देख रहे हैं सब में डिफरेंस कॉमन है, सब में सेम डिफरेंस है 2, 2, 2 का, तो हम यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है, सारे का एवरेज वही आएगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का आएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज क्या है, 12.26, तो इन सारे नंबर्स का एवरेज भी क्या आएगा, 6। इन सारे नंबर्स का एवरेज आएगा 6, नंबर्स कितने हैं 5, तो इन सारे नंबर्स को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 30। समझ में आ गया, वैसे ही कोई आपसे पूछे 5, 10, 15, 20, 25, इनको ऐड करने पर क्या आएगा, तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा, उसके पहले क्या फाइंड करते हैं, इनके एवरेज कितने हैं, इनका एवरेज वही होगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज है, 30/2, एवरेज कितना आया, 15। अब नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स का एवरेज अगर 15 है, तो इन नंबर्स को ऐड करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 75। अब समझ में आ गया आपको, अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20, 1 से लेके 100 तक ही सम निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हम 2 से भी सम निकाल सकते हैं, 5 से स्टार्ट होते हुए नंबर्स का भी सम निकाल सकते हैं, वैसे हम 20 से 30 तक का भी सम निकाल सकते हैं, 20 से 50 तक का भी सम निकाल सकते हैं, 50 से 100 तक का भी सम निकाल सकते हैं। हम जितने नंबर्स का चाहे उतने नंबर्स का सम निकाल लें, हमें बस ये चेक करना है कि जो नंबर्स में डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर पहले और दूसरे में डिफरेंस है 1 का, तो आगे भी डिफरेंस 1 का रहे, पहले और दूसरे में अगर डिफरेंस है 5 का, तो आगे भी डिफरेंस हमेशा 5 का रहे, डिफरेंस 10 का रहे, 15 का रहे, 20 का रहे, जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा सेम रहने चाहिए, कॉमन रहने चाहिए, तभी हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल, यहाँ पर हम 20 से 30 को ऐड करने पर क्या आता है वो भी एक बार देखते हैं। 20 से 30 को ऐड करने पर क्या आएगा वो जानने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना है कि इन सारे नंबर्स का एवरेज क्या है। इन सारे नंबर्स में डिफरेंस सेम है, हमेशा 1-1 का डिफरेंस है, तो वही एवरेज आएगा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज है। फर्स्ट टर्म क्या है 20, लास्ट टर्म क्या है 30, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज क्या है 25, मतलब इन सारे नंबर्स का एवरेज कितना है 25। अब यहाँ पर नंबर्स कितने हैं 20 से 30, मतलब यहाँ पर 11 नंबर्स होंगे। अगर हम 21 से 30 काउंट करते हैं तो 10 नंबर्स आते हैं, जब 20 को भी इंक्लूड करेंगे तो 20 to 30 में 11 नंबर्स आते हैं। इन सारे नंबर्स का एवरेज कितना आएगा, पहला और लास्ट इन दोनों का एवरेज क्या आया था 25, नंबर्स कितने हैं 11। अगर 11 नंबर्स का एवरेज है 25, मतलब उन सबको ऐड करने पर कितना आता होगा 275, तो इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा 275। वही 21 से 30 ऐड करने पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 21 और 30 का एवरेज निकाल लेंगे, इन दोनों का ऐड करने पर क्या आएगा 51, एवरेज क्या आएगा 25.5, तो इन दोनों का एवरेज क्या आ रहा है 25.5। नंबर्स कितने हैं 21 से 30 तक, नंबर्स कितने हैं 10, 10 नंबर्स का एवरेज अगर 25.5 आ रहा है, तो उन 10 नंबर्स को ऐड करने पर क्या आएगा 255। वैसे ही आप जितने चाहें उतने नंबर्स का ऐड करके क्या आंसर आ सकता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000 तक, 100 to 200 तक, 200 से 500 तक, 1000 से 10,000 तक,
जितने नंबर्स का भी आपसे सम पूछे, 5, 10, 15, 20, 25 का पूछे कोई, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, कैसे भी नंबर्स का सम पूछे, बस आप पहले और लास्ट नंबर का एवरेज निकालें और उस एवरेज को कितने नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें, और आप आसानी के साथ ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिना कैलकुलेटर, बिना कॉपी, बिना पेन के आराम से दे सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम उन नंबर्स का ही सम निकालेंगे जिन नंबर्स में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले टाइम में मैं ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं पढ़ने वाले तो प्लीज़ आप उनसे भी शेयर करें, उनको भी सिखाएं, जो बहुत ही हेल्पफुल होगी उनके लिए। और आप ये मान के चलिए कि ये जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया है, ये ट्रिक आपको यूट्यूब पे या गूगल पे कभी भी नहीं मिलने वाली।